जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा, मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। मैं जब 14 साल का था, स्कूल में था, सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा, राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था, बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ गलती की होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा, राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी, राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था, देखिए ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवारों को समझ आएगी। तो मेरे उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए। और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पापा आए, मां आए, मां बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी।